क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन इकाई के लिए होता है तो ये आपका मात्रा है आसान क्वेश्चन क्वेश्चन है 55 है हमारा अनुरु का चिन्ह कौन सा होता है मैंने पीछे भी अभी आपको बताया तो ये आपका सी होगा क्वेश्चन नंबर है संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में शारंगदेव ने गमक का वर्णन किया है तो ये आपका तीसरा अध्याय प्रकीर्ण अध्याय बोलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता कौन थे बहुत ही आसान है पढ़ा होगा जीवन में आपने गोपाल पलुस्कर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है धिन इन धा तिरिट धिन दिन धागे त्रिकट तिन ताकि दिन धागे तिरकट बहुत ही आसान है झूमरा है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है सा ये आपका बिलावल हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका सिक्सटी है ख्याल में क्या नहीं होता क्या नहीं होता ठीक है ध्यान दीजिएगा ख्याल में पद में प्राय छोब्धता नहीं होती है ख्याल में प्राय शांत रस होता है ख्याल में प्रायः ऋतु वर्णन नहीं होता है फिर है ख्याल में प्रायः चौताल का प्रयोग होता है तो देखिए चौताल जो होती है वो ध्रुपद में यूज किया जाता है तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है जब स्वर अपने स्थान से एक सेमीटोन ऊंचा हो तो वो क्या कहलाता है शार्प मैंने वीडियो पढ़ाया है उसमें आपको मैंने समझाया ठीक है ये वहीं का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है सामगान में कितने स्वरों का व्यवहार मिलता है देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें मैं जाऊंगा ऑप्शन सी के साथ में ठीक है तीन भी सही हो सकता है क्योंकि सामगान में स्वरित उदात अनुदात ये माने जाते हैं अब इन्हीं तीन से सात स्वर बने थे कौन कौन से मैंने आपको पढ़ाए हैं कौन कौन से क्रुष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र और अति तो मेरे अकॉर्डिंग सामगान में ये सात होंगे आंसर की आने दीजिए उसमें पता चल जाएगा या अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री है अब्दुल करीम खां का संबंध किस घराने से ग्वालियर नहीं है जयपुर नहीं है अतरौली नहीं है ये किराना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी फोर कर्नाटक संगीत में सात स्वरों का समूह क्या कहलाता है देखिये पल्लवी नहीं होता पल्लवी अनुपल्लवी ये तो उसमें स्टेप्स हो गए गाने में ठीक है जाति स्वरम नहीं होता इसको सरगम भी बोलते हैं कर्नाटकी में सुलाद ही नहीं होता सुलाद क्या होता है सात तालों का समूह होता है कर्नाटकी में ठीक है तो यहां पर हमारा स्थाई सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है धमार गायन किस शैली के समीप है ख्याल के तो नहीं है टप्पा भी नहीं होगा ठुमरी भी नहीं है ये ध्रुपद के पास आता है क्योंकि धमार में क्या होता है इसमें देखिए उपज का काम होता है ठीक है लयकारियां होती हैं ध्रुपद में भी लयकारियां होती हैं उपज का काम बहुत अच्छे से किया जाता है तो मेरे अकॉर्डिंग ध्रुपद सही है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है ब्रह्मा ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है अब देखिये यहाँ पे ब्रह्मा ताल जो है अभी तो मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है कि अभी ये ब्रह्मा ताल कोई प्ले करता है कहीं होता होगा तो होता होगा बट मुझे नहीं पता है ठीक है बट अगर आपको पता है कि ये होता है कहाँ पे होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आंसर की तरफ चलते हैं टप्पा में तो नहीं होता है ये ये अट्ठाईस मात्रा की इतनी बड़ी ताल है तो टप्पा में तो नहीं होगा ख्याल में भी नहीं होगा अट्ठाईस मात्रा ख्याल में बजाएंगे तो सुबह हो जाएगी आता है चतुरंग चतुरंग में भी नहीं होगा ठीक है फिर आता है हमारा ध्रुपद ध्रुपद आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है ग्राम का किस श्रुति पर स्थापित है ठीक है तो ये हमारा ऑप्शन सही है बी प्रतिका पर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट है टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीत से है ये आपने टप्पा गायन में पढ़ा होगा वेसरा से आता है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन है कर्नाटक संगीत का काकली निषादम हिंदुस्तानी संगीत के किस नाम से जाना जाता है तो आपका शुद्ध निषाद है ये टीजीटी टी में भी आया था जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था गायन में वहां पर ही पूछा गया था आंसर के में मैंने आपको बताया और जो वीडियो मैंने बनाया वहां पर भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो जिसने वीडियो देखा होगा उसको फायदा मिला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी किस गायन शैली में मुर्की का प्रयोग वर्जित है ठुमरी में किया जाता है ख्याल में भी किया जाता है टप्पा में भी किया जाता है द्रुपद हो जाएगा सेवेंटी वन है पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने अंग में रागांग को विभाजित किया है आपने पढ़ा होगा ये तीस है नारायण मोरेश्वर खरे जी हैं ये विष्णु दिगंबर पुलिस जी के शिष्य थे तीस माने इन्होंने ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है कौन सी गीत शैली पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ठुमरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी थ्री प्रकृतिक ग्राम के स्वर भारतीय सप्तक संगीत के किस था को प्रस्तुत करते हैं बिलावल है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है गमक का प्रयोग किस गायन शैली में सर्वाधिक किया जाता है तो ये आपका ध्रुपद और धमार में प्रमुखता से किया जाता है क्वेश्चन सेवेंटी फाइव है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर ठीक है आसान है सेवेंटी सिक्स है, है श्रीमल लक्ष्य संगीतम ये विष्णु नारायण भातखंडे जी ने लिखा ये इनका ग्रंथ है नेक्स्ट क्वेश्चन है किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे अब्दुल करीम खान साहब सभी जानते हैं झुमरा ताल में ताली किन मात्राओं पर पड़ती है ठीक है तो पीछे देखिए क्वेश्चन भी आया है झुमरा ताल के अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो वहां से आपको पता चल गया होगा ये आंसर अगर पता नहीं होगा तो ये आपका हो जाएगा वन फोर और इलेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन है नाट्य शास्त्र में वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है कुतब देखे नहीं होगा क्योंकि ये वाद्य वृंद के लिए होता है पटह जो है ये आ, आपका एक वाद्य है बहुत ही पुराना वाद्य है घट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा तो बचता क्या है आतोद्योग ठीक है तो यही ऑप्शन हमारा सही है सेवेंटी नाइन में सी क्वेश्चन नंबर एटी है इनमें से संधि प्रकाश रागो को पहचानिए तो संधि प्रकाश केदार तो नहीं है बिहाग भी नहीं है जौनपुरी भी नहीं है केदार आपका रात में गाते हैं विहाग भी रात में गाते हैं जौनपुरी भी दिन के दूसरे पहर में गाते हैं तो बचा क्या पूरी धनाश्री नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटी वन सामा स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त नहीं होती मालकौश में तो पंचम वर्जित होता है तो वहां पर सामा होता है क्योंकि वहां पर माओवादी सासमवादी है मालकांश में मारू बिहाग में भी होता है मारू बिहाग में दोनों मध्यम यूज होते हैं तो सामा भी होता है ठीक है मारू बिहाग में भी किया जाता है Osionfish. केदार में भी किया जाता है केदार okay, बहुत ही अच्छा राग है सा मा पा मा पधा मा रे सा केदार हो गया तो so, यहाँ भी दोनों मध्यम आपका आता है सामा भी आता है सामा से स्टार्ट किया जाता है ठीक है तो बचा क्या पुरिया धनाश्री ध्यान देने वाली एक बात और है कि पुरिया धनाश्री में तीव्र मा यूज होता है शुद्ध मा पुरिया धनाश्री में नहीं आता है। ठीक है पूर्वी थर्ट का राग है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 है राग मालकों का गायन समय है आप सभी को है ये रात्रि का तृतीय पहर। क्वेश्चन नंबर 83 है राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है तो कम से कम पांच होने चाहिए 84 फोर पाश्चात्य संगीत में माइनर स्केल किस भारतीय थाट को दर्शाता है यह आपका आशावरी है ठीक है और मेजर क्या हो जाएगा मेजर आपका बिलावल है पूछा क्या क्या है माइनर तो आंसर क्या होगा आशावरी ठीक है क्वेश्चन नंबर 85 मध्यम ग्राम की श्रुतियों का क्रम होगा वीडियो में मैंने आपको बताया है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पीजीटी में टीजीटी टी में भी आए थे तो जिसने वीडियो अच्छे से देखा होगा उसको जरूर फायदा मिला होगा तो मध्यम ग्राम का श्रुतियों का क्रम क्या है चार तीन दो चार तीन चार दो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एटी है कोमल गांधार के तीव्र मध्यम का स्पर्श किस राग में लिया जाता है तो ये आपका मुल्तानी में प्रमुखता से किया जाता है ने सा गा ग तो ये जो गा गा तो मध्यम का स्पर्श हमने ले लिया गंधार पे ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा मुल्तानी क्वेश्चन नंबर एटी सेवन है पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले थाट कितने हैं तो ये आपके चार हैं कौन कौन से हैं पहला हो गया आपका कल्याण दूसरा आपका हो गया मारवा तीसरा आपका हो गया पूर्वी और चौथा कौन सा है तोड़ी ठीक है तो चार हो गए क्वेश्चन नंबर 88 है राग पुरिया धनाश्री किस थाट का राग है तो ये आपका पूर्वी हो गया क्वेश्चन नंबर 89 हनुमान मत के छह राग में से एक राग कौन सा है तो ये आपका होगा मेघ छह राग में यहां पे लिख दू पहला देखिए भैरव दूसरा कौशिक कौशिक को माल कौन सी बोलते हैं ठीक है तीसरा है दीपक फोर्थ है श्री फिफ्थ है मेघ और सिक्स है हिंदौल. ठीक है तो ये छह मुख्य राग है तो मेघ आया तो मेघ हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी है किस गायन शैली में विशेष रूप से बंदिश की विभिन्न लयकारियां प्रदर्शित की जाती हैं तो ये आपका हो गया ध्रुपद क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है पंडित लोचन ने कुल कितने मेलों का उल्लेख किया है तो ये आपका हो जाएगा बारह राग तरंगनी इनका ग्रंथ है उसमें बारह मेल का वर्णन किया है मैंने ग्रंथ वाला जो चैप्टर पढ़ाया है ना वीडियो में यूट्यूब पर वहां मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया बहुत क्वेश्चन उस वीडियो से आए हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन भी वहीं से आ गया क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू है पंडित भातखंडे जी का प्रमुख पेशा क्या था ये थे वकील क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री है नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का असली नाम क्या था तो इनका असली नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर ब्रजमोहन लाल पीला कर दिया इन्होंने पता नहीं क्यों तो क्या हो जाएगा ब्रजमोहन नाथ मिश्रा या ब्रजमोहन लाल भी चलो ठीक है अब दिया है तो क्या कर सकते हैं 94 है लक्षण गीत रचने वाले वांग्यकार हैं तो ये आपके पंडित भातखंडे जी हैं ठीक है लक्षण गीत में क्या होता है राग जो रागों के लक्षण होते हैं ना वो आपका जो ताल होती है उसके साथ लिपिबद्ध होते हैं उनको लक्षण गीत बोलते हैं बातखंडे जी के कई लक्षण गीत आपको इनकी जो पुस्तक है क्रमिक पुस्तक मालिका उसमें मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव है निम्नलिखित में से कौन सा राग भैरवी थाट का है माल कौन से ये क्वेश्चन तो लगता है पेटेंट करा एग्जाम हॉल में हर एक एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन नंबर 96 है ये थोड़ा है स्क्रीन शॉट जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में शुद्ध विकृत स्वर मिलाकर कुल कितने स्वर माने हैं तो देखिये इनके सात तो शुद्ध हैं बारह इनके विकृत हैं जो शुद्ध वाला और विकृत स्वर वाला ग्रंथ वाला जो एक मैंने वीडियो बनाया था मैंने वहां पर इनके बारे में बताया है तो जिसने पढ़ा होगा उसी को फायदा मिला होगा उसका ये आंसर करेक्ट होगा तो कितने हो गए क्वेश्चन नंबर है पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियो से आ गया तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो से बहुत से क्वेश्चन आए हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर आपको बोलता था वीडियो में भी मैंने बोला है कि आप पढ़ते रहिए वीडियो से आपको इससे कुछ ना कुछ या बहुत तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा है ना तो इसमें क्या होगा आंसर ए हो जाएगा स्वर के ऊपर जो बिंदी लगाते हैं ठीक है ये मंदिर सब तक हो गया क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट है कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण अंग है तो ये पल्लवी हो गया पल्लवी अनुपल्लवी चरणम होते हैं ना तो ये हो गया देखिए जावेल तो एक गीत हो गया ठुमरी के बराबर जो होता है ठीक है तिलाना तराना की तरह होता है कृति कीर्तनम तो ये तीनों नहीं होंगे पल्लवी हो जाएगा अंग पूछा गया तो पल्लवी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है राग जौनपुरी के रचयिता कौन माने जाते हैं तो कौन हो गए ये सुल्तान उषांश सर ये भी कई बार कई एग्जाम में आया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 101 है किस राग के पूर्वांग में गांधार व उत्तरांग में पंचम पर न्यास होता है तो मेरे अकॉर्डिंग है ये पुरिया धनाश्री पुरिया धनाश्री में पावादी होता है सा संवादी होता है ठीक है तो इसमें जो न्यास के स्वर गए कौन-कौन से हो गए सा गा और पा ठीक है माल कौन से पंचम होता नहीं है तो ये तो यहीं पे कट हो गया तोड़ी में देखिए पंचम तो होता है लेकिन जो न्यास होता है वो अवरोह से आते समय हम करते हैं ठीक है आरोह में जाते समय पंचम को छोड़ देते हैं तो और तोड़ी में जो वादी संवादी है वो क्या है ध और ग है तो ज्यादा न्यास इसी पे होता है भूपाली में क्या है भूपाली में न्यास तो होता है लेकिन पंचम पे अगर हम ज्यादा न्यास कराएंगे उत्तरांग में तो ये देशकार में जाने की पूरी पूरी संभावना है तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा पुरिया धनाश्री इस तेजकार से बचाने के लिए भोपाली में पंचम धैवत उत्तरांग में हम जो है इस पर कम न्यास कराते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर टू है मणिपुरी नृत्य शैली की कौन सी विशेषता है ठीक है तांडव नहीं है शांत और अभिनय इन दो ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है देखिए मणिपुरी जो नृत्य है उसमें रासलीला तो होता है ठीक है कृष्ण जी की रासलीलाओं को उसमें वर्णन किया जाता है एक बुक लिखी है इनायत खां साहब ने और बुक का नाम है शायद मुनकार मुशिकार ठीक है मुझे देखिए नाम अच्छे से तो नहीं पता है बट यही शायद नाम है मुनकार मुशिकार ठीक है इसको लिखा है इनायत खान ने उसमें इन्होंने मणिपुरी नृत्य के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो उसमें उन्होंने बताया ये रास लीला है देखिए लास्ट सेंग में क्या होता है कि दो जो नृत्य करने वाले होते हैं नृत्य करते हैं और इसमें दो सारंगी प्लेयर होते हैं ठीक है सारंगी बजाते हैं और एक जो है मंजीरा वादक होता है ठीक है तो लास्ट संग में क्या करते हैं नृत्य होता है एक तरीके का इसमें दो लोग डांस करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो रासलीला होना चाहिए अगर ऑप्शन में लास्ट से अंग आता है तो ये भी सही हो सकता है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग रासलीला होगा और इस पर अगर जैसे कि मुझे डाउट है तो प्लीज अगर आपको कुछ पता है तो हम इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेज आई क्यू जो है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं या यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ेगा वहां भी डिस्कस कर सकते हैं तो प्लीज इस पे डिस्कशन जरूरी है ठीक है तो देखते हैं आंसर के में कौन सा आंसर आता है मेरे अकॉर्डिंग सी सही है रासलीला लास्ट से भी हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीरो थ्री गज झप्पा ताल की कितनी मात्राएं बहुत ही आसान है पंद्रह ये टीजीटी वाले क्वेश्चन में भी आया था क्वेश्चन नंबर वन जीरो फोर है विष्णु दिगंबर पुलुष्कर तार सप्तक ये मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो में भी बताया मैंने यूट्यूब तो पे आपको वीडियो मिल जाएगा तो तार सप्तक कौन सा हो जाएगा ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है भरत की अचल वीड़ा का तेरहवीं श्रुति का नाम है तो ये आपका मार्जिन है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स दोपहर बारह बजे से रात्रि बारह बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं वीडियो में आपने देखा होगा ये हो जाएगा पूर्व राग क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन है बोल बाट की ठुमरी किस ताल में गाई जाती है? तो ये आपका दीपचंदी है ठीक है तो जो पंजाब अंग की ठुमरी होती है वो ज्यादातर आपको तीन ताल में मिलेगा ठीक है क्योंकि वो बंदिश ठुमरी होती है और बोल बाट में मात्राएं जो है चौदह मात्रा दीपचंदी का होता है तो इसी में गाते हैं लास्ट में फिर हम लय बढ़ाते हैं तो वहां पर कहरवा और दादरा बजती है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग दीपचंदी है क्वेश्चन नंबर 108 ब्रह्मा ताल में कितने विभाग हैं तो विभाग तो ब्रह्मा ताल बहुत बड़ा है ठीक है तो कितने होते हैं इसमें फोर्टीन यहाँ पे विभाग बना देता हूँ मैं और एक विभाग में दो मात्राएं होती तो पहला सम हो गया पहले फोर्टीन में डिवाइड कर देता हूँ सम हो गया जीरो दो तीन जीरो चार पाँच 7, सात आठ नौ दस जीरो कितने हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन ठीक है एक, एक एक्स्ट्रा बन गया था तो ये हो गया हमारा कितने विभाग हो गए बहुत बड़ी ताल है अट्ठाईस मात्र की होती है क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन अलापिनी नाम किसका है तो ये आपकी श्रुति है अलापिनी किस ग्राम की श्रुति है ये आपकी शट्ज ग्राम की श्रुति है ठीक है और ये पंचम स्थापित है यहाँ पे अलापिनी पे सतवी श्रुति अलापिनी है चर्च ग्राम की ये वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है वहां पे आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर है माया मालव गौड राग हिंदुस्तानी राग में किसके समकक्ष है वीडियो में मैंने पढ़ाया है लास्ट डे भी मैं बोल रहा था पढ़ लीजिए इसको इंपॉर्टेंट है ये जरूर आएगा तो आपका भैरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन है श्रीनिवास की वीड़ा के तार पर शुद्ध मध्यम कितने इंच पर है तो ये आपका सत्ताईस इंच पर है वीडियो में भी मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर है संगीत में एक साथ कम से कम कितने स्वर का प्रयोग होता है है तो ये तीन है, ये तीन भी मैंने आपको वीडियो में बताया है क्वेश्चन नंबर है तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था तो ये बेहट में हुआ था क्वेश्चन नंबर वन वन फोर्टीन है कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार होता है ये भी मेरे वीडियो से क्वेश्चन आया मुझे लगता है फिफ्टी प्लस क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं वीडियो तो यहाँ पे तीन तरह का गंधार होता है पहला शुद्ध का फिर साधारण ठीक है उसके बाद अंतर का जिसने भी वीडियो से पढ़ा होगा ये जो सारे टफ क्वेश्चन आए हैं ये सारे वीडियो से पुटअप किए गए ठीक है वीडियो में आपको मिल जाएंगे उसके टफ वाले क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे अगर उसने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर वन वन फिफ्टीन है बिंदा दिन महाराज संगीत की किस विधा से संबंधित है तो आपका कथक है क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटीन है नीसा रे मारे पा रे सा ये आपका वृंदावन सारंग केदार नहीं है काफी नहीं है बिलावल नहीं है क्वेश्चन नंबर वन सेवनटीन संगीत पारीजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान है ये भी मैंने वीडियो में आपको बताया ये काफी हो गया क्वेश्चन नंबर वन वन एटीन पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे गुलाम अली खान साहब सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर वन नाइनटीन पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत परिजात कब लिखा गया यह भी मेरे वीडियो से क्वेश्चन है 1650 में मैंने आपको वहां पर बताया है क्वेश्चन नंबर है परमेल प्रवेशक राग पहचानिए। मुल्तानी है सभी को पता ही आसान है तो मुल्तानी क्या है तोड़ी थाट के जो राग हैं, उसके बाद ये किस रागों में प्रवेश कराएगा ये आपका मारवा जाएगा पूर्वी थाट के रागों में प्रवेश कराता है और भैरव थाट यहाँ पे थाट बोल रहा हूँ राग नहीं बोल रहा हूँ ठीक है तो मुल्तानी थोड़ी थाट का राग है तो परमेल प्रवेशक इसको इसलिए बोल देंगे क्योंकि मुल्तानी जो है वो हमें प्रवेश कराता है तो एक तो संधि प्रकाश राग है तो किस में ले जाएगा हमें मारवा गा सकते हैं इसके बाद पूर्वी गा सकते हैं भैरव थाट के कोई राग गा सकते हैं ठीक है अब अहिर भैरव तो बिल्कुल नहीं गाएंगे ठीक है वो सुबह गाया जाता है या भैरव जो है वो नहीं गाएंगे भैरव थट का कुछ ऐसे राग हैं जो हम शाम को या जो है रात के करीब आसपास गाते हैं तो उनमें यह हमें कुछ रागों में प्रवेश कराता है उसी को बोलते हैं परमेल प्रवेशक ठीक है तो मुल्तानी ऑप्शन यहां पे सही है क्वेश्चन नंबर 121, स्वर साम्यता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया मोहम्मद रजा क्वेश्चन नंबर 122 है मध्यम ग्राम में धैवत कितनी श्रुति का देखिए यह भी मेरे वीडियो से क्वेश्चन आया है तो यहां से निकाल लीजिए चार तीन दो चार तीन चार, चार दो सा धी तो श्रुतिक है चार ठीक है चतुर्श्रुतिक जा तो हो जाएगा क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 काकु के कितने प्रकार हैं टीजीटी में आया हुआ था ये क्वेश्चन नंबर 124 है शुद्ध गांधार की आंदोलन संख्या तो ये आपकी 300 है वीडियो में मैंने पढ़ा है ये भी क्वेश्चन वहां से आ गया बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए हैं तो जिसने भी देखे होंगे उसकी तो लॉटरी लग गई होगी क्वेश्चन नंबर वन है मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले सर को क्या कहते हैं देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है मेरा जो आंसर है वो पूर्व कड़ है ठीक है अगर आपको इसमें कोई और आंसर समझ में आता है या कहीं से आपको मिलता है तो प्लीज इसको मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा ठीक है इसको हम डिस्कस करेंगे मेरे अकॉर्डिंग सी आंसर सही है सो गाइज आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और मैं ये भी विश करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ हो और आपका सिलेक्शन हो जाए और इस वीडियो से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा या टेलीग्राम चैनल जो सेज आईक्यू नाम से है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहां भी हम डिस्कशन करेंगे ठीक है आगे की भी जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे उसके लिए भी आप वहां पर जुड़ सकते हैं और मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही